माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, आप में से बहुत सारे भक्त माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। उन्हें ये होता होगा कि आप माता रानी की यात्रा पर निकले, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल तो माता रानी की यात्रा पर अभी ट्रेनें बंद हैं और ट्रेनों के चलने का पूरा कॉन्फर्मेशन अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि सोमवार से ट्रेनें चालू होंगी, लेकिन अभी तक रेलवे ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है। ऐसे में ट्रेनें चलेंगी ज़रूर, लेकिन कोई डेट अभी तक नहीं आई है। इस वजह से दोस्तों लोग तो माता रानी की यात्रा पर नहीं जा पा रहे, लेकिन जो लोग माता रानी की यात्रा पर बाई बस जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी की यात्रा पर बहुत ज़्यादा कम लोग आ रहे हैं, लगभग 200 से 300 ऐसे ही श्रद्धालु पर डे दर्शन कर पा रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बस से वैष्णो देवी जाते हैं, माता रानी की यात्रा पर जाते हैं, तो आपको लखनपुर में रोका जाएगा, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, फिर लखनपुर से आपको कटरा आना होगा। ऐसे में दोस्तों जाने में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उधर से वापस आने में तो आपको बहुत दिक्कत होगा। कटरा से कोई साधन लखनपुर के लिए नहीं मिल रहा है, कटरा से आपको जम्मू आना होगा, जम्मू से फिर आपको वॉल्गर बुक करना होगा या बस बुक करना होगा, फिर जाकर आपको जो है अपने एरिया पर आना होगा। ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें कटरा शहर की, तो कटरा शहर भी बहुत पूरी तरीके से है, अभी भी वहाँ पर श्रद्धालु नहीं आ रहे, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे होटल्स जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। अगर हम बात करें ढाबा की, जहाँ पर आप फूड वगैरह लेते थे, खाना पीना खाते थे, भोजनालय जो थे उनमें भी दोस्तों फिलहाल बहुत कम भोजनालय खुले हुए हैं। और आपको भी पता है कि जब श्रद्धालु कटरा में नहीं आएंगे तो वो अपना भोजनालय खोलकर क्या करेंगे। आप मुझे बताइए कि कोई अच्छा होटल जहां पर आपको खाना स्वादिष्ट मिलता था, अब वहां पर 200-100 व्यक्ति आते हैं और वो जो खाना प्रिपेयर करते थे वो लगभग 4,000-10,000 लोगों का खाना वो बनाते थे। ऐसे में जब श्रद्धालु कम आएंगे तो वो होटल खोल के क्या करेंगे, उन्हें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, उन्हें सिर्फ लॉस होगा। तो अभी भी बहुत सारे होटल्स बंद हैं, कुछ होटल्स खुले हैं, लेकिन वहाँ पर आपको खाना उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ और फीडबैक और जानकारी की। तो अगर आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने पास कैश पैसा ज़रूर रख कर जाएं। अगर हम बात करें कटरा शहर की, तो कटरा के किसी भी एटीएम में अभी फ़िलहाल पैसा अवेलेबल शो नहीं हो रहा है, बहुत कम एटीएम एक दो मिलेंगे जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपना कैश पेमेंट लेकर ज़रूर जाएं। आपको भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी इंटरनेट 2G चलता है और वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करे, मतलब अगर आप उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करते भी हैं तो इंटरनेट के ज़रिए वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप जाकर चेक करिएगा, बहुत कम लोग होंगे जो ऑनलाइन पेमेंट लेते होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना जो भी पैसा आप लेकर जाने वाले हैं वो कैश लेकर जाएं और कैश में पैसा ज़्यादा लेकर जाएं। हो सकता है कि आपको आगे चल के किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम झेलना पड़ जा रहा हो, कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो आपको वैसा सिस्टम मिल जाएगा। अगर हम बात करें कटरा शहर की फिर से, तो मैं आपको बता दूं कि जो रौनक आपको पहले देखने को मिला करती थी कभी, वैसा रौनक अभी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेनें अभी फ़िलहाल बंद हैं। चलने का जो कॉन्फर्मेशन होगा वो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे ना, लेकिन जब उसकी डेट आ जाएगी तब। फिलहाल तो दोस्तों यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है कटरा में, और वैसा माहौल भी आपको कटरा में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कुछ और अहम जानकारी की, तो आप जब भी यात्रा पर जा रहे हैं खासकर ध्यान रखें कि अपना गर्म कपड़ा लेकर जाएं, ठंड वहाँ पर बढ़ चुकी है। और अभी अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो बच्चों और बुज़ुर्ग को अवॉइड करें, अभी उन्हें लेकर ना जाएँ, हो सकता है कि काफ़ी परेशानी आपको झेलना पड़ सके। तो इसलिए आप अपने हिसाब से एक तरीके से प्लानिंग बनाकर जाइएगा। अब बात करते हैं यात्रा ट्रैक की, तो यात्रा में देखिए आपको दो ट्रैक मिलते हैं, एक मिलता है ताराकोट मार्ग रास्ता और एक मिलता है पुराना वाला रास्ता। तो अभी फ़िलहाल जो है वो ताराकोट मार्ग वाले रास्ते को ज़्यादा लोगों के लिए नहीं खोला गया है, मतलब रास्ता खुला है लेकिन वहाँ पर श्रद्धालु उस रूट से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। तो आप जब भी यात्रा करने जाएं पुराने वाले रास्ते से ही जाएं और पुराने वाले रास्ते से ही आएं, क्योंकि अगर आप अकेले हैं और उस ट्रैक पर जाएंगे हो सकता है कहीं जंगली जानवर आपको दिख जाए। सो इसलिए आप अभी अवॉइड करिएगा, जब भी जाइएगा तो पुराने वाले रास्ते से ही जाइएगा। हाँ, अगर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं
तब आप उनसे जा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि आपको जाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आने में जब आप वापस आना चाहेंगे तो आपको साधन ज़्यादा मिलेगा नहीं। और फिर वहाँ पर होगा क्या कि जो लोग कुछ ज़्यादा ट्रैवल एजेंट वाले, वो पैसे भी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर ले रहे हैं। ये जानकारी हमारे एक सब्सक्राइबर ने दी है जो कि वहाँ पहुँचे हैं, 2-3 दिन से वो लगातार वहीं पर हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया गया है। लगभग 10,000 रुपये दे के उन्होंने गाड़ी बुक की है जिससे वो दिल्ली वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में मेरी ये वीडियो बनाने की सिर्फ मोटिव यही थी कि अगर आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप इसके सॉल्यूशन जो मैंने बताया कि आप पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेकर जाएं, सिस्टम ये करें कि खाने पीने के सामान आप लेकर जाएं, गर्म कपड़ा लेकर जाएं, तो इस तरीके से आप माता रानी की यात्रा पर जा सकते हैं। बाकी और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस बार में जो दर्शन आपको मिलेंगे वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात अपने ध्यान में रखें, जब भी जाएं कोविड का टेस्ट कराकर जाएं, उसका रिपोर्ट लेकर जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा, नहीं तो मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप मुझसे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक जुड़े रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल के साथ। देखते रहिए ट्रेन राइडर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय माता दी। Oh, shit.